नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आपका स्वागत है। कोरोना का असर भारतीय खेलों और खिलाड़ियों पर भी भरपूर है और इसकी जद में अब भारतीय क्रिकेटर भी आ गए हैं। कोविड-19 की वजह से क्रिकेट का नुकसान होना जारी है। भारतीय महिला टीम की तेज गेंदबाज मानसी जोशी कोविड-19 जांच में पॉजिटिव आई हैं। कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आने से पहले मानसी जोशी अगले महीने UAE में खेले जाने वाली महिला T20 चैलेंजर्स का हिस्सा नहीं होंगी। 27 साल की मानसी कोरोना वायरस जांच में पॉजिटिव आने के बाद देहरादून में क्वारंटाइन है। वो मुंबई नहीं गई है, जहाँ T20 चैलेंजर्स में भाग लेने वाली अन्य भारतीय खिलाड़ी 13 अक्टूबर को पहुंच गए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि मानसी की जगह मिताली राज की अगुवाई में वेलोसिटी टीम में 26 साल की तेज गेंदबाज मेघना सिंह को शामिल किया गया है। बता दें कि वेलोसिटी टीम की कमान मिताली राज के हाथों में है। मानसी ने 2016 में डेब्यू करने के बाद भारत के लिए 11 वनडे और 8 T20 में देश का प्रतिनिधित्व किया है। बता दें कि कोविड-19 की वजह से फरवरी के बाद से ही भारत में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला जा रहा है, लेकिन अब BCCI ने भारत में क्रिकेट की वापसी की कोशिशें तेज कर दी हैं। BCCI की शनिवार को एपेक्स काउंसिल की मीटिंग होने वाली है। बोर्ड इस मीटिंग में घरेलू क्रिकेट की वापसी का एजेंडा तय करेगा। हालांकि कोविड-19 की वजह से घरेलू क्रिकेट के सत्र में कटौती होना तय है। गौरतलब है कि महिला T20 चैलेंज का आयोजन UAE में 4 नवंबर से 9 नवंबर के बीच होगा। इस लीग में 3 टीमें खेल रही हैं और सभी मुकाबले शारजाह में खेले जाएंगे। टूर्नामेंट में शिरकत करने वाले पहले सभी खिलाड़ी फिलहाल मुंबई में 5-स्टार होटल में 9 दिन के लिए क्वारंटाइन हैं। एक बार जब सभी खिलाड़ियों की रिपोर्ट निगेटिव आ जाएगी तो उसके बाद वो UAE के लिए रवाना होंगी। महिला क्रिकेटर्स को UAE पहुंचने पर भी ट्रेनिंग शुरू करने से पहले क्वारंटाइन में रहना होगा। BCCI से जुड़े सूत्रों ने बताया कि कुछ खिलाड़ी फिलहाल अपने अपने राज्यों में ही ट्रेनिंग कर रहे हैं। एक बार जब ये खिलाड़ी UAE में एकत्रित होंगी तो फिर अपनी टीमों के साथ प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देंगी। बता दें, भारतीय महिला क्रिकेटर मार्च से ही क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में शिरकत नहीं कर रही हैं। कोरोना से लगे लॉकडाउन के हटने के बाद ये उनका पहला बड़ा टूर्नामेंट है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।